दोस्तों ये है शिवानंद सिंह जी, बॉन्ड जमा है, एक्नॉलेजमेंट मिला है, उसी से मैंने ऑनलाइन कर दिया है और एक्सेप्ट भी हो गया है। और आप लोग बोलते हो कि जैसे लोगों का अभी कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल सर? तो देखिए, इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जो हमारे पास बॉन्ड था वो ऑफिस में जमा है, केवल एक स्लिप मिली थी, उसी से इन्होंने आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया कर दिया है और इनका स्वीकार भी हो चुका है। इसी बात के लिए हमने कहा है आप लोगों को कि आप भी यदि आपका बॉन्ड जमा है या कुछ भी है तो आप भी अपना आवेदन कर सकते हैं। सुहास यादव जी ने कहा कि आपने हम निवेशकों का मार्गदर्शन करके बहुत बहुत सहयोग किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सुहास जी, हम चाहते हैं कि जितने भी निवेशक हैं उनको उनके प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही मिले, जिससे कि उनका आवेदन हो जाए और उनकी जो मेहनत की खून पसीने की कमाई है वो वापसी हो जाए, किसी तरह की कोई गलती आवेदन में ना हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हम कोशिश यही करते हैं कि सही न्यूज़ आप तक लाएँ। आकाश श्रीवास जी और सर, रिसिप्ट कम होने पर क्या अमाउंट डालना है? कि रिसिप्ट कम हो या जितना आपने जमा किया हो वो पूरी रसीद हो। मेरा तो कहना है कि आप अमाउंट उतना लिखिए जितना आपने जमा किया है। यदि आप खुद कम अमाउंट लिखेंगे तो आपका पैसा निश्चित ही कम आएगा, आपका पैसा पूरा नहीं आएगा। इसलिए मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि अमाउंट जितना आपने जमा किया है उतना ही लिखे, उससे कम ना लिखे। सुनील कुमार जी, सर मैंने सभी PSL ऑफिस में जमा कर दिया, क्या करें? देखिए, मैंने इसका जवाब बहुत पहले दे चुका हूँ, हर वीडियो में देता हूँ, फिर मुझे कहेंगे लोग कि आप एक ही सवाल के बार बार जवाब देते हो, एक ही वीडियो को कह के बार बनाते रहते हो। तो देखिए, जब आप बार बार पूछेंगे तो हमें जवाब देना पड़ता है। ऑफिस में जमा है तो आप चिंता मत कीजिए, इस समय भी आप कोशिश कर सकते हैं, जो भी आपके पास स्लिप होगी उससे आप आवेदन करने की कोशिश करें। यदि एक्सेप्ट हो जाता है ठीक है, क्योंकि बहुत निवेशकों के एक्सेप्ट हो भी रहे हैं, कुछ के नहीं हो रहे हैं, और जुलाई के बाद 31 जुलाई के बाद हो सकता है नई प्रक्रिया स्टार्ट हो आवेदन की, उसमें आप आवेदन कर सकते हो। थॉमस सल्होत्रा जी, सर बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद, जो गलत बोलते हैं उनको रहने दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ही की वजह से हमें हौसला मिलता है, थैंक यू वेरी मच। दीपक सिन्हा जी, जनपद में PSL एप्लीकेशन में शुरू और अंतिम रिसिप्ट ले रहे हैं, इनका क्या होगा? कोई टेंशन नहीं है, यदि पहली और आखिरी रसीद ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाउंट आप उतना ही डलवाएं जितना अमाउंट आपने जमा किया है। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें एक कस्टमर केयर ऑफिसर मैडम थी, उन्होंने बोला था कि सर पैसा पूरा ही मिलेगा यदि आपकी कम रसीद लग रही है, तो मैंने वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। योगी राजा, जिसका बॉन्ड जमा हो गया और रसीद दी है उसका आवेदन कब करें? सर आप रसीद से इस समय आवेदन करने की कोशिश करें। इस समय भी कुछ हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे, जो कमेंट्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है उनके स्वीकार हुए हैं, तो हो सकता है आपका भी स्वीकार हो जाए, आप एक बार कोशिश करें। नरेंद्र कुमार जी, नाइस ग्रीन में जिनका पैसा डूबा है उनके लिए कोई समाधान है? सर अभी हमारे पास कोई इसकी जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। SKKPG, सर मेरे पास बॉन्ड की रिसिप्ट रसीद है तो क्या फॉर्म ऑनलाइन कैसे करें? देखिए दी, आपके पास बॉन्ड की रसीद है तो आप फिलहाल देख लीजिए करके, हो सकता है आपका भी आवेदन स्वीकार हो जाए। नंबर आपके पास बॉन्ड का होगा, नंबर डालिए और जो रसीद है वो रसीद आप स्कैन कीजिए, हो सकता है आपका भी स्वीकार हो जाए, बहुत सारे निवेशकों का स्वीकार हो रहा है। वरना यदि नहीं होता तो आपका 31 जुलाई के बाद नई आवेदन प्रक्रिया में जरूर होगा। राजकुमार जी, सर सब ठीक भरा है लेकिन डॉक्यूमेंट दूसरा लग गया है, क्या करूं? देखिए सर, ये गलती है, यदि डॉक्यूमेंट दूसरा लग गया है तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, और अभी तक कोई एडिट का ऑप्शन भी नहीं दिया है SEBI ने, इसलिए अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 31 जुलाई तक, जो नई प्रक्रिया स्टार्ट होती है या एडिट का ऑप्शन जब स्टार्ट होता है तब आप कुछ कर सकते हैं। झगड़ू राम जी, सर जी मैं आपके रास्ता दिखाने के तरीके से बहुत खुश हूँ, मैं एक स्वेस सेंटर चलाता हूँ, मैं बहुत से आवेदन PSL का आवेदन किया हूँ, धन्यवाद सर आपका रास्ता दिखाने के लिए। सर जी हमारी वजह से यदि आपको काम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बस निवेदन यही है कि आप अच्छी तरीके से निवेशकों का फॉर्म भरे, गलती ना हो जाए, चाहे थोड़ी सी लेट हो पर निवेशकों का फॉर्म अच्छी तरीके से भरे, और कोशिश करें कि पूरी आप स्लिप स्कैन करके लगाए।
संजय यादव जी, मेरे पास फाइनल रसीद है, सारा बॉन्ड जो हो गया है फिर कैसे होगा? देखिए यदि आपके पास रसीद है, बॉन्ड का नंबर उसमें होगा, बॉन्ड नंबर से आप रसीद से आवेदन करके देखिए। बहुत सारे निवेशकों के आवेदन स्वीकार हो रहे हैं, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी एक कमेंट्स आपको दिखाया है, तो आप कोशिश करें, आपका भी स्वीकार जरूर होगा। चंद्रशेखर जी, सर साईं प्रसाद कंपनी के बारे में भी बताए। सर बिल्कुल बताएंगे, जैसे हमारे पास खबर आएंगी हम जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। एस के पी जी, सर मेरे पास बॉन्ड की रिसिप्ट नंबर है तो उससे कैसे फॉर्म ऑनलाइन होगा? सर बॉन्ड की जहाँ पे रिसिप्ट नंबर, बॉन्ड नंबर है, बॉन्ड नंबर भरिए, और रिसिप्ट नंबर है, रिसिप्ट भरिए, जो रिसिप्ट है रिसिप्ट भर दीजिए, देखते हैं, कोशिश कीजिए, हो सकता है आपका भी स्वीकार हो जाए। क्योंकि कमेंट्स मैंने आपको दिखाया शुरू में, किसी ने बोला है कि हमारे ऐसे भी आवेदन स्वीकार हो रहे हैं, तो हो सकता है आपका भी हो जाए, और यदि नहीं होता तो 31 जुलाई के बाद फिर कोशिश कीजिएगा। साफ़ी जी, साफ़ी वेस्ट बंगाल में एजेंट हूँ, सबका पेमेंट दे दिया, सब एजेंट को लेके कुछ सोचना होगा। देखिए यदि एजेंट अपना पेमेंट किसी को दे रहे हैं तो उनसे लिखित में कुछ करा लीजिए, उनके बॉन्ड अपने पास रखिए, जिन जिनका पेमेंट आप दे रहे हो उनसे बॉन्ड ले लीजिए, और उनसे तहसील में जाकर एक एफिडेविट लिखवा लीजिए कि ये बॉन्ड हम इनके सुपुर्द करते हैं और हमारा पेमेंट इन्होंने हमें दे दिया है, जिससे कि आपके पास कुछ सबूत रहे। आई एम ये भी अशोक जी, मेरे पास बॉन्ड नई पॉलिसी पीएसएल कंपनी में दिया, अभी एक्नोलिजमेंट स्लिप है। देखिए यदि आपके पास एक्नोलिजमेंट स्लिप है तो आप कोशिश करें, आपका भी हो सकता है आवेदन हो जाए। क्योंकि एक बंदा है जिसने अभी, एक नहीं कई बंदों के मैसेज आए थे हमारे पास कि हमारा सर आवेदन हो चुका है, जबकि हमारे पास एक्नोलिजमेंट स्लिप थी, हमने नंबर डालकर बॉन्ड का, और वही स्लिप स्कैन कर दी तो हमारा भी स्वीकार हो चुका है। तो आप कोशिश करें, यदि स्वीकार होता है तो ठीक है, हो सकता है वो बंदा झूठ बोल रहा हो, मगर आप लोग एक बार करके देख लीजिए, और यदि नहीं होगा तो 31 जुलाई के बाद जो नई प्रक्रिया है उसमें ज़रूर होगा। अब्दुल गफ्फार जी, थैंक्स सर, आप बहुत अच्छा करे हो, आप किसी की बात मत सुनो, मेरा एक पॉलिसी होल्डर मर गया, उसकी वाइफ ने ऑनलाइन कर दिया है। सर आपका व्हाट्सएप नंबर दो प्लीज़। सर प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर यदि मैं ऑनलाइन दे दूँगा तो सभी के पास पहुँच जाएगा, और आप जानते हो कि फिर सब लोग वीडियो देखने के बजाय, कमेंट्स करने के बजाय मेरे व्हाट्सएप नंबर पर करेंगे, और फिर वो मुझे बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी नहीं सोचता इस बारे में कि दूसरे की भी लाइफ है, इसलिए जो भी आपको पूछना है आप प्लीज़ कमेंट्स में करें, हम कोशिश करते हैं सभी के कमेंट्स पढ़ें। दीपक सिन्हा जी, नॉमिनी वालों का आवेदन कब शुरू होगा? सर जी नॉमिनी वालों का आवेदन 31 जुलाई के बाद शुरू होगा। राज श्रीवास्तव जी, जिसका बॉन्ड जमा हो गए हैं उनको क्या करना, उनका पैसा कब मिलेगा? सर जी जिनके बॉन्ड जमा हो गए हैं 31 जुलाई के बाद देखते हैं, उनका आवेदन शुरू होगा, और यदि बॉन्ड जमा हो रिसिप्ट है तो एक बार आवेदन करके देख लीजिए। क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे हमारे पास, उनके आवेदन हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला है, यदि हो जाता है ठीक है, वरना 31 जुलाई के बाद ज़रूर आपका कुछ होगा। तो जमील शेख जी, हेलो सर, हमने फॉर्म के आवेदन कर दिया है बट हमें फ़ोन पर मैसेज नहीं आया है, ईमेल में नंबर्स आए हैं और फॉर्म अपलोड करके 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अब क्या करें? सर जी एक मैसेज सक्सेसफुल का मैसेज आता है, उसमें एक नंबर आता है, वो मैसेज आना ज़रूरी है। यदि वो मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब आपका आवेदन अभी स्वीकार नहीं हुआ। आप दोबारा देखे करके यदि दोबारा कुछ बताते हैं उसमें, या ऑलरेडी दिखाते हैं उसमें कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो आप टेंशन छोड़ दीजिएगा, फिर आपका फॉर्म ज़रूर स्वीकार हुआ होगा। आपके पास कोई इस तरह की मैसेज आने में प्रॉब्लम हो रही होगी, जो आपके मोबाइल इनबॉक्स में हो सकता है कि मेमोरी फुल हो चुकी हो, आप एक बार देख लीजिए चेक करके, तो आप थोड़ा सा फिर यदि नहीं होता तो आपको फिर 31 जुलाई के बाद ही आवेदन, जो प्रक्रिया दोबारा होगी उसमें करना पड़ेगा। आकाश श्रीवास जी, सर एक कस्टमर का पेमेंट दे चुका हूँ, ऐसी प्रोसेस बताएं जिससे पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए। देखिए सर, यदि आप किसी की पेमेंट दे रहे हो तो उससे बॉन्ड जरूर ले लीजिए, आप अपना उसका बॉन्ड ले लीजिए जिस बॉन्ड का आप पैसा दे रहे हो, और साथ में एक तहसील में उससे लिखवा लीजिए कि इस बॉन्ड का पैसा आप उन्हें अपनी जेब से दे चुके हैं और ये बॉन्ड अब आपका है, जिससे कि यदि आगे कोई ऐसा प्रोसीजर होता है कि आप दूसरे के बॉन्ड से अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन लगा करके या एफिडेविट लगा करके आप अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। अभी इस तरह की कोई आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, मगर उम्मीद है ऐसी हो जाएगी 31 जुलाई के बाद, तो तब आप ये आवेदन कर देना। और यदि आपने अपना पैसा दे दिया और तहसील में अभी तक आप एफिडेविट नहीं करवाया, तो ये काम करा लीजिए ज़रूर।
मोटिवेशन क्या सर, एडिट का ऑप्शन होगा? नहीं भाई, अभी तक नहीं आया है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। 20 तारीख तक का हमें पता था, मगर उसके बाद भी कोई उसमें फॉर्म में कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आया। जैसे आएगा हम बताएंगे ज़रूर। बिहारी महाराज जी, चेक बाउंस के लिए क्या करें? सर जी, जिसका चेक बाउंस हो गया है चिंता ना करें, चेक बाउंस वाले के लिए भी 31 जुलाई के बाद नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी। राम कुमार जी, जिनके बॉन्ड जमा हो गए पहले उनके पास एक रसीद है जो बॉन्ड जमा करने पर मिलती है, उससे आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप करके देखिए। हमने अभी एक सबसे स्टार्टिंग में एक मैसेज दिखा है, उन्होंने हमें ऐसा ही बताया कि हमारा आवेदन स्वीकार हो चुका है, जबकि हमारे पास केवल एक स्लिप थी। आप भी कोशिश कीजिए, यदि नहीं होता तो आप 31 जुलाई के बाद कर लेना, लेकिन फिलहाल कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। प्रणहाल न्यूज़, सर हमने कैंसिल चेक एंड बैंक की वेरिफिकेशन कॉपी नहीं लगाई है, बैंक की पासबुक की कॉपी लगाया, क्या मेरा आवेदन सही होगा? कोई दिक्कत नहीं, यदि बैंक की आपने पासबुक लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारक जी, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मेरा बॉन्ड नहीं है, गुम हो गया है, यो नंबर है जो कि फिक्स था सीढ़ी, मैं क्या करूँ, इंतज़ार में हूँ। सर आप कोशिश कीजिए, अब जो फ़िलहाल है नंबर है आपके पास, उससे आवेदन करने की, यदि आपका आवेदन हो जाता है तो फिलहाल जैसा भी है करके देखिए, कोशिश कीजिए, और यदि नहीं होता तो 21 जुलाई के बाद तो है ही, फिर आप लोग कर सकते हो जो नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी। गीता देवी जी, सर मैं एजेंट हूँ, जब आवेदन चालू हुए तब सेबी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि पावती रसीद से आवेदन कर सकते हैं, तो मैंने पावती रसीद से कई आवेदन जमा कर दिए और उसमें जो जमा पूंजी थी वो आवेदन में भर दी, ऐसे कोई आवेदन जमा कर दिए जिसके एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी मिल गया है, तो अच्छी बात है। देखिए, यदि एक्नॉलेजमेंट स्लिप से आपका आवेदन हो रहा है तो इससे अच्छी क्या बात है, और बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिनका आवेदन हो जाएगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका एक पावती रसीद से आवेदन हो चुका है तो और भी बंदे कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर भी एक मैसेज आया है पावती जी का, आप सभी के सामने है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं फिर पढ़ के बता देता हूँ। सर मैं एक एजेंट हूँ, जब आवेदन चालू हुए थे तब सेबी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि पावती रसीद से आवेदन कर सकते हैं, तो मैंने पावती रसीद से कई आवेदन जमा कर दिए और उसमें जो जमा पूंजी थी वो आवेदन में भर दी और ऐसे कई आवेदन जमा कर दिए जिसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी मिल गया है, तो देखिए ये अच्छी बात है, आप भी करके देखिए। देखिए ये है एक बंसीलाल जो हमेशा हमारे चैनल की काट करते रहते और आपको गुमराह करते रहते हैं, इस बंदे को आप लोग जवाब दे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये आप लोगों के सैकड़ों मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उसमें सिर्फ एक यही बंदा है जो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। इसमें भी देखिए क्या कहा है दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के बजाय सेवी के अपडेट देखते रहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। सोशल मीडिया में विश्वास करोगे तो धोखा हो सकता है, सोशल मीडिया का झूठ जग जाहिर है, ये लोग अपने अंदाज में सलाह देते हैं, सिर्फ सेवी की सलाह मानिए, सेवी को बहाना बनाने का मौका मत दीजिए। यूट्यूबर का मकसद सिर्फ जैसे भी हो वीडियो अपलोड कर यूट्यूब से पैसे कमाने का होता है, सच और झूठ और बकवास या दोहराई गई बातें से इनका कोई मतलब नहीं होता। देखिए इसका जवाब भी दिया है सोवलाल जी ने, आपके अच्छे विचार हैं सर, लेकिन ऐसी वीडियो बनाने से ही तो लोगों का हौसला बना रहता है, नहीं तो लोगों का कब से हौसला टूट चुका है। अतः मेरा मानना है कि इस प्रकार की वीडियो बनानी भी चाहिए, अपलोड भी करनी चाहिए, यूट्यूब पर और को भी देखना चाहिए। तो देखिए हमारा किसी के साथ धोखा करने से कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद इतना है जो आप लोग हमसे प्रश्न पूछते हो उसका जवाब हम आपको दे सके। इन्होंने कहीं बात सही की है कि सोशल मीडिया जो है झूठ की तरफ ज़्यादा चलता है, मगर हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, हमारा केवल आपके सवालों का जवाब देना है, और सवालों का जवाब हम वही देते हैं जिसमें हमें उम्मीद लगती है कि हाँ ये सवाल आपके लिए सही होगा। तो हमारा किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि आपका जो आवेदन हो वो अच्छी तरीके से स्वीकार हो, और हम इनसे भी कहना चाहेंगे कि आप गुमराह ना करें किसी को भी, क्योंकि आपने कहा कि सेबी की अपडेट देखते रहिए, भैया मैं बता देता हूँ करोड़ों निवेशक हैं और सेबी की अपडेट करोड़ों ही निवेशक नहीं देख सकते, क्योंकि वे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसी वजह से वे वीडियो देखते हैं, हमको सुनते हैं, और हम वही खबर लाने की कोशिश करते हैं जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जो आपका हौसला बनाए रखती है। तो यदि आपको बुरी लग रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर मेरा मकसद केवल इतना ही है कि मैं सभी का जवाब दूँ। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं ये वीडियो में आपके सवाल यहीं तक लेता हूँ, उसके बाद मैं कल फिर आपसे मिलने के लिए आऊँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी तक ये न्यूज़ पहुंच सके, ये सवाल का जवाब पहुंच सके। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।